आपका दोस्त अशोक प्रधान आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास आया है। दोस्त, आप लोगों के कोई प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिखिए। अगर पासवर्ड आपको मैच नहीं कर रहा है तो मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर हाई लिखिए, मैं आप लोगों को पासवर्ड ज़रूर दूंगा। दोस्त, आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे, और आप लोगों से कुछ कुछ भाइयों लोगों से मैं व्हाट्सएप पर बात करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोग से बातचीत करने में। चलिए स्टार्ट आज करते हैं, एक नया मास्किंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। मास्किंग इफेक्ट मैं आपको बहुत सिंपल बताऊंगा कि किस तरह से मास्किंग इफेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है। आपके कुछ ही मिनट में एक मास्किंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये मास्किंग इफेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ, चलिए ये मास्किंग इफेक्ट कैसे क्रिएट होगा मैं आज आपको बताता हूँ। मैंने ये वीडियो ले लिया, मैं इसका स्पीड 50 कर दूँगा। ये वीडियो मेरा यहाँ से चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। अब ये जगह में मार्क्स होना चाहिए, मैं यहाँ से कट लगा दूँगा। कट लग गया मेरा, वीडियो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं सेम जगह से एक स्टिल काट लूँ, कंट्रोल टी करूँगा, ये इसका स्टिल कट जाएगा। मैं न्यू सिक्वेंसर लूँगा, उसे इस वीडियो को मैं यहाँ डालूँगा। अब मैं इफेक्ट पे जाके मास्किंग इफेक्ट पे जाऊँगा। मास्किंग इफेक्ट जाके मैं क्लिक करके इसे पेन टूल से मैं इसे गोल गोल काट दूँगा। आप इसको थोड़ा स्मूथ काटना, थोड़ा अच्छा से काटना। आपका जितने आप स्मूथ और अच्छे से काटिएगा उतना ही आपका ये इफेक्ट अच्छा लगेगा। ओपेसिटी में इसे, आउटसाइड ओपेसिटी में इसे 0 कर देता हूँ, और मैं यहाँ सॉफ्ट को क्लिक करके इसे 20 कर देता हूँ। ये मेरा हो गया मास्क, ये देखिए गोल कट गया। मैं इसे यहाँ पर जहाँ अपना वीडियो रखा था उस वहाँ पर ला के ये इफेक्ट को उठा के मैं यहाँ रख दूँगा। तो प्लेयर के देख लेता हूँ, ठीक है, इसे मैं ऊपर लेयर पर रखता हूँ। अब मुझे जो जो वीडियो इसके अंदर लगाना है सारी वीडियो को मैं यहाँ ओपन कर लूँगा। इसे मैं छोटा छोटा क्लिप पे काट लूँगा, इसको अपना अपना साइज पे मुझे जितना जितना लगाना है। काट लूंगा, ये मैं पूरे इफेक्ट काट लिया हूं। आपको जितनी देर का वीडियो डालना है 50 कर लें। इसका ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से रख लें, आपको जितना रखना है। आप इस पर क्लिक करें और इन्फॉर्मेशन में जाएं, लेआउट पे जाएं, इसे आप छोटा कर लें। या मार्जिन आपका है इसे आप 50 पर ला लें, और इसे अपने हिसाब से साइजिंग कर लें। ये मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं सारे को इफेक्ट को यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। सब आ गया आपका, देखिए। और इसे क्या कीजिए, फिर इसे भी आप ये आपका ये आ जाए। आप इसे फिर लाइए अपने हिसाब से, इसे थोड़ा लंबा ले जाइए यहाँ पर, इसे वी मार्क से मार्क कर लीजिए
और लेआउट पे क्लिक करिए। लेआउट को क्लिक करने के बाद इसे 100% कर दें और यहाँ आपका लेआउट इफेक्ट जितने हैं इस जगह पे इसे आप क्लिक करके इसे ऑन कर दें। अब इसे आप एकदम अपने कॉर्नर में ले जाएं, वो चला गया। अब यहाँ से आपका स्ट्रेच है, यहाँ से आप इसे जूम कर दें। इसे आप जूम करते चले जाएं पूरा। इसे आप ले जाके इस जगह पे आप इसे कट लगा दें, दूसरे लेयर ले वीडियो पे इसे आप डिफॉल्ट कर दें। यहाँ पर अगर आपको वीडियो इफेक्ट में जल्द झटका लग रहा है तो यहाँ डेजोल लगा दें हल्का। इतना लगाने के बाद आप लोग इसे साउंड इफेक्ट लगा दें, कैमरे का साउंड इफेक्ट होना चाहिए। इसे कॉपी करके पेस्ट कर लें हर कट इफेक्ट में। और यहाँ एक जूम वाला इफेक्ट लगा लें। ये एक मिनट में आपका ये मास्किंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ज़्यादा परेशानी भी नहीं है और देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। इसे आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक और मैं रिंग वाला बताता हूँ आपको। ये मैंने रिंग वाला वीडियो रखा हूँ। इसे आप मास्किंग किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए ये वीडियो यहाँ मैं लेता हूँ, इतना पार्ट को लेता हूँ। इसका स्पीड मैं 40 कर देता हूँ। याद रहे जहाँ से मुझे मास्किंग काटना है मैं वहीं से क्लिक करूँगा, वहीं पर स्टिल ले लूँगा वीडियो उसका। ये मुझे ये राउंड में मास्किंग काटना है, मुझे ये राउंड में मास्किंग काटना है, मैं इसे यहाँ कट लगा दूँगा। एंड पॉइंट पे मैं आऊँगा एकदम, मैं कंट्रोल टी करके उसका स्टिल ले लूँगा। ये देखिए स्टिल आ गया। मैं न्यू सिक्वेंसर में जाऊँगा, अब मैं वीडियो इसके यहाँ टान लूँगा स्टिल। अब मुझे मास्क करना है पेन टूल को, मैं यहाँ से मास्किंग कर देता हूँ। आप जितने अच्छे से मास्किंग काटिएगा उतना अच्छा इफेक्ट लगेगा। ये मैंने ऑपेसिटी इसका कम कर दिया, यहाँ मैंने इसको 50 पे सॉफ्टनेस कर दिया। ओके करूँगा, देखिए ये कट गया। इसे मैं लाऊंगा यहाँ, इसे मैं सिम लगा दूंगा, एक बार रन करके देख लूँगा ये ठीक है। इसे मैं यहाँ तक लाना चाहता हूँ, इसे ऊपर करूँगा। इसके नीचे जो जो मुझे वीडियो लगाने हैं मैं लगा दूँगा।
उसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन में जाना है, लेआउट पे जाना है। इसका साइज आपको, इसको आपको 40% या 50% में कर दीजिए, इसे आप अपने हिसाब से छोटा करके साइज कर लें। ये प्रीव्यू आपके इस जगह नज़र आएगा। ओके कर दें, इसी को अप्लाई करके देख लें। देख लीजिए फ्रेम में है ना, ये देखिए जब फ्रेम में है। अब इसे मैं फिर वही कैमरा वाला इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा इस पर। अब मैं इसको यहाँ से जूम कर दूंगा, तो लेआउट पे मैं क्लिक करूँगा, इसे जूम कर दूँगा। यहाँ पे क्लिक करना है मुझे, मुझे एंड पोर्शन पे इसे स्ट्रेच कर देना है। ये पूरा स्ट्रेच हो गया, इस जगह में कट लगा के इसे डिफॉल्ट कर देना है। ये देखिए दोस्त, ये आपका मास्किंग इफेक्ट हो गया। दोस्त आप लोगों को कैसा मेरा वीडियो लगता है ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग से बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक और मैं आपको इफेक्ट बता देता हूँ लेआउट में, कि आप एक लेआउट का, ये भी अभी सिनेमेटिक में बहुत चल रहा है, आप इसे लेआउट करके लगा सकते हैं। मान के चलिए आपका ये वीडियो हो गया, और ये पोर्ट्रेट हो गया। अब ये बहुत चल रहा है, इसे कुछ नहीं करना है। इन्फॉर्मेशन में जाइए, लेआउट में जाइए, लेआउट में जाके इसका फ्रेम यहाँ करिए। आप इसे कलर में क्लिक करके इसे 2 पे कर दीजिए, कलर ब्लैक कर दीजिए। ये आपका हो गया, इस टाइप का इफेक्ट बहुत ही चल रहा है। अभी आप पीछे वाले को ब्लर भी कर सकते हैं, वीडियो फिल्टर के अंदर में आपका ग्लो शाइन ब्लर होगा, उसे आप ले सकते हैं। कहाँ चला गया, हाँ ग्लो शाइन ब्लर है, आप इसे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो आपका इस तरह का कलर बन जाएगा। ये सिनेमेटिक में ही बहुत चल रहा है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्त, नमस्कार दोस्त, आपका दोस्त अशोक प्रधान। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार।